चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर नगर परिषद द्वारा लाखों रुपए प्रतिमाह खर्च करने के बावजूद भी आम जनता के लिए बनाए गए उद्यानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ठेकेदारों और नगर परिषद के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते परिषद के विभिन्न वार्डों की हालत खराब है। जनता के लिए बनाए इन उद्यानों के हाल खराब हैं। इनके रखरखाव का कार्य कर रहे कर्मचारियों का भी शोषण होने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर नगर परिषद ने विभिन्न वार्डों में 65 उद्यान बना रखे हैं। इनको अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है और इनके रखरखाव का ठेका एक ही ठेकेदार को दिया हुआ है। नगर परिषद द्वारा संबंधित ठेकेदार को प्रति वर्ग फीट के हिसाब से प्रति महीने लाखों रुपए का भुगतान किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े उद्यान राजीव गांधी उद्यान में नगर परिषद द्वारा लाखों रुपए खर्च करके सूर्य नमस्कार सहित अन्य स्टैचू लगाए गए थे, वह भी झाड़ियों में दब गए हैं। नेहरू पार्क की बात की जाए तो उसमें भी घास के नाम पर बंजर जमीन दिखाई दे रही है। नगर परिषद ने उद्यान निरीक्षक लगा रखा है जो औपचारिकता निभा रहा है।